So hey guys, what's up everybody? So then I'm back with a new brand video. Welcome back for another video. So friends, guys, you so good. I think you all guys are well and good. I think so. Right? So friends, आप कैसे हो कैसे नहीं मेरे को कमेंट में जरूर बताना तो मेरे को पता चलेगा आप कैसे हो और कैसे नहीं. बिकॉज इस बड़ी जिंदगी में यार, इस एक्साइटेड बड़े लाइफ में कोई तो होना चाहिए जो पूछने वाला या कैसे हो, राइट? सो फ्रेंड्स, आज मतलब प्रोडक्ट वोडक्ट तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा आपको कुछ एक जनरल नॉलेज और एक ऐसा थॉट शेयर करने आया हूँ, मतलब पूछने भी आया हूँ, शेयर करने भी आया हूँ, क्योंकि अपने डेली लाइफ में तो हम प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, राइट? अपने डेली लाइफ में तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर वो कभी कभी ऐसा है कि कभी कभी अप्लाई सही से नहीं होता या अपने आप में काम नहीं करता या अपने को बहुत मतलब रिएक्ट नहीं करता. जब आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट करेगा तभी तो आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे आपके डेली लाइफ में, राइट? तो उसी के रिगार्डिंग मैं सोच के आपके लिए टिप्स या थॉट्स या मेरा इम्प्लीमेंट करने का तरीका समझ लो आपके लिए. हम डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे और कैसे करना चाहिए. बिकॉज होता ऐसा है कि आपको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. बिकॉज हम तो अपना तो 100% दे रहे हैं, भी नहीं हो रहा है तो भी तो क्या हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी आती है ना अपने माइंड में, राइट? तो उसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूं और आपको बताऊंगा कि क्या कैसे होता है और प्रोडक्ट्स कभी कभी किस लिए काम नहीं करते आपके स्किन के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज का एक तरीका होता है. विदाउट तरीका या विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट गेट द Why the product is not giving effect on your skin, your face, and your. So friends, तो क्या करना चाहिए, मतलब अपने daily life में हमको क्या ऐसा include करना चाहिए कि अपने आप में एक मतलब products का जो skin tone होता है ना, प्रोडक्ट्स हमको अच्छे से काम करे अपनी स्किन के लिए करके, ऐसा आपके दिमाग में जरूर चलता होगा, राइट? सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं ऐसे थॉट्स और ऐसे थिंग्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं डेली लाइफ में ऑब्जर्व करके, मैं सेंस करके यूज करता हूँ. जो यूज करना चाहिए वो जो यूज करना चाहिए वो है कॉमन सेंस, राइट? फर्स्ट लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, गलती इंसान से होती, तो हमारे दिमाग में याद नहीं आता, क्योंकि जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हो या कॉलेज के लिए जा रहे हो, आपकी मॉम आपके हाथ में टिफिन थमाने के लिए आ जाते हैं, बिकॉज आपको याद नहीं आता, बिकॉज आप जल्दी में रहते हो, बहुत जल्दी जल्दी रहते हो, या मतलब जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, जस्ट वॉन्ट गो वेरी फास्ट, राइट? सो फ्रेंड्स, वैसे आपकी स्किन है, मतलब आप जब रिमाइंड ना करोगे तो इट्स लाइक या. सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ जब भी आप वेकअप हो, वेकअप होने के बाद आप फ्रेश अप होने चाहोगे, राइट? तो फ्रेश अप होने के बाद क्या करना चाहिए, फटाफट ब्रेकफास्ट, ऐसे थोड़ी होता है. तो सबसे पहले आपको करना चाहिए पानी, वाटर. Water is very, very, very important in your life. Pani, jal hi jeevan hai, right? So friends, pani hamare zindagi mein aur hamare skin ke liye bahut hi benefits hai aur hum kabhi kabhi ignore kar dete hain. Aisa nahi karna chahiye. Jab bhi aap fresh up ho gaye ya naha dhoa ke sab kuch taiyar ho gaye, abhi breakfast karna, usse 45 minutes pehle aapko pani peena chahiye. Kyunki पानी आपके जिंदगी में वो कमी को दूर करता है जो आपको सोच भी नहीं सकते, राइट? सो फ्रेंड्स, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन. आप सोच रहे हो पानी कैसे जरूरी है स्किन के लिए, बिकॉज तुम्हारी जो 75% बॉडी है ना वो पानी से भरी है. तो पानी ये काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा फ्रेश रखेगा
ऐसा नहीं लगेगा सूखा सूखा रूखा रूखा टूका टूका, ऐसा नहीं लगेगा। आपकी स्किन को रखेगा एकदम चमकदार और आपको भी फ्रेशनेस रखेगा और काफी सारे बेनिफिट है ज्यादातर पानी पीने के। आई नो कि होता ऐसा है कि हमारे को पानी पीने की आदत नहीं होती है, आई कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए पहले, मतलब हम तो डेली लाइफ में बस थोड़ा थोड़ा पानी पी, तो क्या करना था थोड़ा सा इंक्रीज, एक ग्लास इंक्रीज, दो ग्लास इंक्रीज, एक बॉटल इंक्रीज, दो बॉटल इंक्रीज, वन बॉटल इंक्रीज, टू बॉटल इंक्रीज, ऐसे 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 करोगे तो आपको जाके मतलब ऐसे ऐसे होगा एक ही दिन में। आई नो कि आप आपकी आदत को सुधार नहीं सकते हो, राइट? तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट कीजिए, फोकस कीजिए, तभी जाके आप कुछ, तभी जाके आप पानी आपके डेली लाइफ में पीना बढ़ा सकते हो। क्योंकि कभी बना नए से आप ट्राई करते हो तो एक ही दिन में मतलब 5 लीटर 5 लीटर का पानी आपने ले लिया अपने बॉडी में, तो इट्स लाइक अ वेरी 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 मतलब जब आदत आपको नहीं है तो नई आदत डालने में ऐसा नहीं एक ही बार में सब कर लिया। तो कैसा करना चाहिए थोड़ा आप इम्प्लीमेंट करोगे, इट इज वेरी बेनिफिट फॉर यू, राइट? सो फ्रेंड्स, पानी तो हो गया और ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, राइट? ब्रेकफास्ट के भागना नहीं है, रुको जरा, आई विल टेल यू। ब्रेकफास्ट होने के बाद सबसे पहले होता है आपका स्टाइल, मतलब हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने जिंदगी में। ऐसा नहीं कि चले उठे और चलते बने, ऐसा नहीं होता। हेयर स्टाइल अच्छी है, हेयर स्टाइल कीजिए हेयर ड्रायर के साथ, तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा, आपकी मॉर्निंग भी अच्छा रहेगी, आपके असाइनमेंट्स भी अच्छा रहेगा, आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा रहेगा और आपका दिन एकदम सुहाना सुहाना रहेगा, राइट? सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं मतलब कॉम कर लिए भाग लिए, ऐसा नहीं। कॉम करने के बाद नेक्स्ट जो है आ रहा, नेक्स्ट जो है वो है स्किन के लिए सनस्क्रीन, समझे? सनस्क्रीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझाता हूं। तो सनस्क्रीन ये काम करती है कि आपकी चमकदार स्किन को चमकदार ही रखती है, बिकॉज सूरज इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। तो क्या करने का उसको से बचना चाहिए, बिकॉज सूरज के जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं ना आपके दिमाग को खसका सकते हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन योर लाइफ, इग्नोर मत करना, बिकॉज आगे पछताना पड़ेगा, बिकॉज सूरज की रोशनी से बेनिफिट्स भी है, विटामिन डी मिलता है। वो दोपहर के वक्त नहीं, 10 बजे की बात नहीं, उससे पहले आप तो बिस्तर में पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब जिंदगी है, सीरियसली लेना पड़ेगा, राइट? तो 10 o'clock के बाद जब आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज के लिए जा रहे हो, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब मॉर्निंग सनस्क्रीन लगा के जाओगे ना, जब भी आपके स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ेगी या पॉल्यूशन रहेगा, वो सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करेगी आपके स्किन को। तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन टैन होने से 35% ही टैन होगा, ऐसा नहीं कि पूरा टैन नहीं हो सकता, बिकॉज 35% कम हो जाएगा। मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा, मतलब सनस्क्रीन क्या इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन को दूर करेगी, धूप से बचाएगी, सनलाइट से बचाएगी, और ऐसे वैसे पॉल्यूशन से भी बचाएगी, और मतलब आपको फ्रेशनेस फील कराएगी और आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी और भी सनस्क्रीन के हाथों में, राइट? तो सबसे पहले जब भी आप कॉलेज से वापस आओ या कॉलेज के अंदर या ऑफिस के वक्त, फेस वॉश कैरी करना जरूरी है ड्यूड, बिकॉज आपका फेस में अगर टैन होता है या आपके स्पॉट में डार्क स्पॉट है या आपकी स्किन में ऑयलीनेस है, तो मेरा मानना है कि
मेरा मानना है कि आपको फेस वॉश कैरी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप फेस वॉश अगर कैरी करोगे तो आपके डेली लाइफ में बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके अगर फेस वॉश कैरी ना करोगे तो आपकी जिंदगी में पिंपल्स की आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, समझो, बिकॉज एक आपका गलत डिसीजन आपकी जिंदगी को अलग मोड़ ले सकता है, राइट? सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी एकदम चमकदार रहे, एकदम फ्रेश निकले और लगना चाहिए ऐसा, मतलब क्यूट, समझा करो ना। सो फ्रेंड्स, ये अगर आपके डेली लाइफ में इंक्लूड कर लोगे तो इट्स वेरी बेनिफिट फॉर यू। और जब भी आप आओ, फेस वॉश यूज किया, फेस वॉश यूज करने के बाद कुछ भी मत यूज करना, ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब फेस वॉश यूज करने के बाद या कोई और क्रीम यूज करते हो या वगैरह वगैरह, नहीं बिकॉज सनस्क्रीन यूज किया काफी है। अगर आप कई पार्टीज के लिए जा रहे हो तो आप काफी सारा के फेस वॉश मैंने बताया हूँ और काफी सारा की क्रीम आपकी लाइफ में इंक्लूड कर चुका हूँ, वो चेक आउट कीजिए और आपकी डेली लाइफ को बना दे एकदम चकाचक और चमकदार, बिकॉज चहकते रहोगे चमकते रहोगे, बिकॉज चहकते रहोगे चमकते रहोगे तभी तो आप सबकी नजरों में दिखते रहोगे, राइट? कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, बिकॉज ये जमाना कॉम्पिटिशन का है, तो यू वॉन्ट टू बी बेस्ट, राइट? और जो जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आपकी डायरी लाइफ में इतना इंक्लूड कर दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि गर 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 गुर गुर मैं घुमा फिरा के आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस पानी, सनस्क्रीन, इंग्लिश में बताता हूं, वॉटर, सनस्क्रीन, हेयर स्टाइल और फेस वॉश, इतना आपकी डेली लाइफ को एकदम करेगा रॉक। और ऐसा नहीं कि एक बार हेयर स्टाइल करने से, और ऐसा नहीं होता, छोटी वाली कॉम मार्केट में अवेलेबल है, वो किसके लिए? आपके लिए। तो क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, रखना चाहिए, राइट? तो वो सब कॉम आप क्यों रख सकते हो, मतलब उसका बेनिफिट क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन चल रहा होगा, बिकॉज इंसान के दिमाग में ऐसे सब कुछ नहीं लेता, क्वेश्चन चलता है, उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए तब जाके वो सेटिस्फैक्शन होता है, राइट? तो फ्रेंड्स, छोटी वाली कॉम आप कैरी करते हो, मतलब कहीं असाइनमेंट सबमिट करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, प्रेजेंटेशन देना हो अपने बॉस के लिए, जब भी आप वॉशरूम जाओ तो प्रॉपर आपके हेयर्स को सेट कीजिए, बिकॉज अगर आपके हेयर प्रॉपर सेट रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील आएगा ना, कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज 100 पीपल्स में अगर आप अच्छे दिखोगे तभी आपका मतलब ध्यान, कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहेगा, राइट? तो फ्रेंड्स, ये सब आपके डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, आपके डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए और आपके लाइफ में लगा दिए चार चार चांद, राइट? सो फ्रेंड्स, ये आपको डेली लाइफ में इंक्लूड करना है और आपके लाइफ को बनाना है बहुत ही बेहतरीन। सो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं सुन के मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में कुछ भी इक्वेशन प्रॉब्लम, कुछ भी रिगार्डिंग हो, जस्ट कमेंट में उसके रिगार्डिंग आपको मैं वीडियोस बनाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा या उसकी रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मसला है भाई साहब, बात करके हल निकलेगा, बिकॉज चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, राइट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, फॉर मेक्सिस्पेक्टेशन, आई सी यू नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड एंड